दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सूर्यकांत है और मैं आप सभी का भारत एग्री के हिंदी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे धनिया की खेती के बारे में और मैं आपको बताऊंगा धनिया की बुआई से लेकर कटाई तक की सारी जानकारी। अगर आप धनिया की खेती करते हो या फिर आप धनिया की फसल लगाना चाहते हो तो खासकर आपके लिए ये वाला वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। मैंने आपसे एक राय है कि वीडियो अंत तक देखें और वीडियो के आखिर में अगर जानकारी आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को आपके अन्य धनिया उत्पादक किसानों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चलिए बिना किसी देरी के आज के वीडियो के लिए शुरू करते हैं। दोस्तों धनिया भारत की एक प्रमुख मसाले वाली फसल है, खासकर अगर जायद के मौसम में यानी समर के मौसम में देखा जाए जहां पर पानी की उपलब्धता काफी कम होती है वहां पर धनिया की फसल को अच्छे रेट मिलते हैं, मार्केट में अच्छे दाम मिलते हैं। इसलिए अगर हम जायद के मौसम में जिस टाइम धनिया की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है और सप्लाई बहुत कम होती है उस टाइम खेती करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट, काफ़ी अच्छा मुनाफा धनिया की खेती से प्राप्त हो सकता है। हम भारत के धनिया उत्पादक प्रमुख राज्यों के नाम अगर देखें तो पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में हमें धनिया की खेती ज़्यादा हद तक दिखाई देती है। दोस्तों धनिया की खेती के लिए मिट्टी और जलवायु की बात करें तो वैसे तो हम हर प्रकार की मिट्टी में धनिया की खेती कर सकते हैं, लेकिन अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए आप या तो दोमट मिट्टी में या फिर मटियार मिट्टी में या फिर कछारी मिट्टी में इसकी खेती कर सकते हो। अगर हम जलवायु की बात करें तो 25 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान इसके लिए उचित माना जाता है। जिस मिट्टी का पीएच 6.5 से लेकर 7.5 के दरमियान मेंटेन है वैसी वाली पीएच वाली मिट्टी धनिया की अच्छी उपज लेने के लिए उचित मानी जाती है। साथ ही अगर मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन 0.5 से लेकर 1 के दरमियान है तो वहां पर आपको प्रोडक्शन ज़्यादा मिल सकता है। धनिया की खेती के लिए अगर हम खेत की तैयारी की बात करें तो दोस्तों 2 से लेकर 3 बार हमें गहरी जुताई करनी है, उसके बाद उसमें अच्छे तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद डालनी है। 1 एकड़ में लगभग 2 से लेकर 3 ट्रॉली आप सड़ी हुई गोबर की खाद डाल सकते हो। उस खाद को मिट्टी में अच्छे तरह से मिलाने के लिए फिर से हमें एक बार रोटावेटर चला देना है। धनिया की खेती करने के लिए अगर बीज की मात्रा देखें तो 1 एकड़ के लिए लगभग आपके पास 10 से लेकर 12 किलोग्राम बीज होना आवश्यक है। अब किसानों का दूसरा सवाल होता है कि कौन सी बेस्ट वैरायटी का चुनाव करें। दोस्तों मार्केट का अगर स्टडी हम करें तो नामधारी सीड्स की सुरभि वैरायटी बहुत अच्छी है, कलश सीड्स की कलश धनिया आप सिलेक्ट कर सकते हो या फिर शाइन कंपनी की रुचि वैरायटी आप धनिया की बुवाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। अगर हम उर्वरक की बात करें तो धनिया की खेती के लिए ज़्यादा उर्वरक की आवश्यकता होती नहीं है। जब हम धनिया के बीज की बुवाई करते हैं तभी हमें 10, 26, 26, 50 किलो 1 एकड़ के लिए बुवाई के साथ मिला देना है और बुवाई करने के 20 दिन के बाद हमें यूरिया लगभग 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से अपनी मिट्टी में मिला देना है। दोस्तों इतने से उर्वरक की मात्रा में आपकी धनिया की फसल काफ़ी अच्छी ग्रो हो सकती है। इस तरह से अगर आप मैनेजमेंट करते हो तो 1 एकड़ से लगभग आपको हरी धनिया की 50 से लेकर 60 क्विंटल की उपज मिल सकती है। चलिए दोस्तों जाते जाते मैं आपको 1 एकड़ धनिया की खेती करने के लिए कितना खर्चा आता है इसका स्मार्ट टिप्स भी दे देता हूँ। अगर हम 10 से लेकर 12 किलो बीज का मूल्य देखें तो 2400 के पास बीच में आता है। अगर हम 1 एकड़ के लिए उर्वरक का खर्चा देखें तो लगभग 2000 के आसपास आता है। अगर हम सिंचाई करने का जो पानी का खर्चा है उसका लगा दें तो वो 1600 रुपये के आसपास आता है। कीटनाशी, फफूंदनाशी अगर हम ऊपर से छिड़काव के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो आप मोटा मोटा 2000 का पकड़ लीजिए और अन्य खर्चा जो भी मजदूर के लिए हमें देना होता है वो 2000 का पकड़ लीजिए। इतना ही खर्चा दोस्तों आता है 1 एकड़ की धनिया की खेती करने के लिए। तो फिर चलिए ये जानकारी यही समाप्त होती है। अगर आपको धनिया की खेती में और डिटेल में जानकारी प्राप्त करनी है तो आप अवश्य हमारे भारत एग्री ऐप में जाकर हमारे कृषि डॉक्टर के साथ वीडियो कॉल कर सकते हो। अगर आपको धनिया के बेस्ट क्वालिटी के 100% ओरिजिनल बीज खरीदने हैं तो अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसके ऊपर क्लिक कीजिए और भारत एग्री ऐप से खरीदी कीजिए 100% ऑर्गेनिक और 100% जर्मिनेशन वाले धनिया के बीज। यहाँ पर आपको ढेर सारा डिस्काउंट भी मिल जाता है और मात्र 3 से लेकर 4 दिन में बीज आपके घर तक डिलीवर कर दिए जाते हैं। और सबसे बढ़िया बात क्या है पता है, बीज के पैसे आपको प्रोडक्ट मिलने के बाद देने हैं। मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।